क्योंकि जंतर मंतर पर जब संविधान जलाया गया था उसके 7 या 8 दिन के बाद उसी जंतर मंतर बीजेपी का झंडा मैंने जलाया था, हमारे महाराष्ट्र के लोगों ने जलाया था, जिनको पुलिस वालों ने पकड़ करके थाने में इतना पीटा कि उनकी मौत जो है वो कारा में 1 महीने के बाद हो गई। साथियों, आवेदन देने के बाद भी, उसके माता पिता के आवेदन देने के बाद भी किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई वहां पे नहीं किया गया। और आज इस देश का अगर सही ईमानदार सच्चा अगर कोई नेता है तो चंद्रशेखर आजाद जी है। उन्होंने कभी किसी से गंदी राजनीति की नहीं। हम लोग भीमार्मी के लिए क्या किए हैं, हम लोग भीमार्मी में क्या दिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की डेट में ओडिशा में अगर कहीं भी दलित उत्पीड़न होता है, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होता है, तो भीमार्मी तारक ठान के सिरा टांग के खड़ा रहता है। और मुझे बोला जाता है कि ये तो 3 फुटिया है, ये क्या करेगा, लेकिन ये 3 फुटिया आदमी अगर कहीं खड़ा हो जाता है तो SP कलेक्टर की भी हिल जाता है। और ये ताकत और ये हौसला, ये ताकत मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी और हमारे भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से मिला है। और इतना जान लीजिए, ओडिशा में एक बार एक बॉस में एक गाना लगाया गया जिसमें मनुवाद के खिलाफ था, और उस ड्राइवर को एक बजरंग दल का लड़का था, वो बहुत गाली दिया और उसको मारा पीटा, फिर वो बोला कि बजरंग दल को अभी बुला के तेरा बस जला दूंगा। जब हमारे पास खबर आया हम लोग गए और थाने में शिकायत किया, हमारी जो टीम है वो टीम गया थाने में शिकायत किया, तो वो थानेदार मुझे फोन किया, बोला कि आपके लड़का लोग आए हैं। मैं बोला उसका बात सुन लो और उनका केस को रजिस्ट्रेशन कर दो। तो उसका परिवार के लोग दिल्ली तक फोन किए, और जिस जिले में ये घटना हुआ, इस जिले में 2 BJP के MLA थे और 1 सांसद है, और वो लोग भी थाने में पहुंच गए। जब वो लोग थाने में पहुंच गए तो थानेदार बोला कि आप एक केस और कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े व्यापी लोग इसमें लग गए हैं। और रावण का फोन आया था, बोला मैं सोचा कि बड़े भाई रावण कैसे फोन कर दिए, तो फिर मैं पूछा कि उनको कि थाने में कैसे भाई का फोन आ गया, तो बाद में बोला कि अरे वो VIP रावण ने ओडिशा का एक रावण है जो 3 फुटिया है, उसका फोन आया है और वो यहाँ का VIP है। हम 3 महीने में ओडिशा में और ओडिशा के संबलपुर में 3 महीने में हम जहाँ एट्रोसिटी होता है वहाँ 3 महीने में हम कॉम्पेंसेशन दिलाते हैं, और 3 महीने में 50% कॉम्पेंसेशन पीड़ित को दिलाते हैं, और 1 साल में 100% कॉम्पेंसेशन हम ओडिशा में दिलाते हैं जहीं भी अत्याचार दलित ऊपर हत्या होता है। और हम लैंड मूवमेंट भी चला रहे हैं ओडिशा में, प्रत्येक घर में जा रहे हैं, जो भूमिहीन है उनको भूमि दे रहे हैं, और ऐसे ओडिशा में चल रहा है। अगर आने वाले 1-2 साल में या 5 साल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी अगर ओडिशा को 1 साल में 4 बार का समय देंगे, तो आने वाले समय में बरगढ़ में 1 MLA, संबलपुर में 1 MLA और सोनपुर में 1 MLA हम लोग जिता के दिखाएंगे। ये हमारा वादा है। जय भीम, जय भीम, जय भारत। जैसे इस देश में 7 साल से लगातार बहुजन समाज के हक अधिकारों की लड़ी जा रही है, इस देश में 7 साल से सदियों से दबे कुचले समाज के हक और अधिकारों की लड़ी जा रही है, भीम आर्मी संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी भारतीय कमीशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी और भीम आर्मी भारतीय कमीशन के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी, वे तमाम प्रदेश है तमाम पदाधिकारी वे कार्यकर्ता सभी को भीम आर्मी भारतीय कमीशन के 7वें स्थापना दिवस व पहले अधिवेशन की लख लख बधाई, बहुत बहुत मंगल कामने। और सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा आर्थिक सहयोग की, क्योंकि इस देश में बहुजनों के यदि इस देश में दिक्कत आई है तो आर्थिक सहयोग की मैं गुजारिश करना चाहूंगा। पीछे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमने हरियाणा की ड्यूटी लगाई है वो हम करेंगे, लेकिन यहाँ की हमें देखते हुए देश राज का सब जी वह प्रधान जी बिजली बोर्ड के हो गया जाए और अपनी तरफ से सहयोग कर दे यहाँ पर, धन्यवाद। देखिए, जब से हरियाणा में भीम आर्मी भारतीय कमीशन चलाने का जिम्मा भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने हमारे कंधों पर दिया है,
हमने हरियाणा से SC समाज ही नहीं, SC समाज ही नहीं, BC समाज को भी जोड़ने का काम किया है। और जो जो सदियों से हरियाणा की राजनीति में दोगली राजनीति कर रहे थे, उसमें कील ठोकने का काम किया है। और आने वाले हरियाणा के चुनाव में 2024 में विश्वास दिलाता हूं, मंच पे खड़ा हूं, किस तरह से लात मारेंगे इस गंदी राजनीति को हरियाणा में भीम आर्मी के ये मनोवादी लोग याद रखेंगे कि भीम आर्मी यदि पूरे देश में कहीं मजबूत है तो वो हरियाणा में है, ये मैं भरे मंच से कह रहा हूं। और हमारे नेता, ये शक्ति हमें हमारे नेता से मिलेगी, क्योंकि जिस संगठन का नेता, जिस पार्टी का नेता मजबूत होगा तो उसके पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मजबूत होंगे। धन्यवाद करना चाहूंगा भाई चंद्रशेखर आजाद, धन्यवाद करना चाहूंगा भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सिंह जी। मैं अपने समय पर ध्यान रखते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई हमें जरूरत है आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करने की। अरे 10 कर दो, 20 कर दो, पैसों की बहुत जरूरत है यार, बहुत जरूरत है पैसों की। तो बस धन्यवाद, धन्यवाद, जय भीम, जय भारत। और आज इस देश का अगर सही ईमानदार सच्चा अगर कोई नेता है तो चंद्रशेखर आजाद जी है। उन्होंने कभी किसी से गंदी राजनीति की नहीं, लेकिन संगठन तोड़ने वालों को हमें छोड़ना नहीं है। जो गद्दारी करेगा उसको क्षमा नहीं करना है, वो कोई भी हो, अगर भीम आर्मी का कार्यकर्ता हो या आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो अगर हम मेहनत करेंगे और कल अगर वो चुन के आएगा और वो गलत तरीके से काम करेगा तो भाई उसको भी रस्ते पे लाने का काम हम करेंगे, क्योंकि हम मेहनत करने वाले लोग हैं। भीम आर्मी का झंडा मजबूत है तो उसका डंडा भी मजबूत है। तो हमारे में से कुछ गद्दार अगर निकल कर भीम आर्मी तोड़ने का काम भारत देश के अंदर कोई किसी भी कोने में अगर करेगा तो उसको सबक सिखाना हमारा काम है, क्योंकि हम बाहर के लोगों से लड़ रहे, इस देश के दुश्मनों से लड़ रहे, जिनको संविधान खत्म कर रहा है उनके साथ लड़ने का हम काम करते। और हमारे अंदर अगर कोई हमें कमजोर करने का काम करेगा तो उसको भी हमको देखना पड़ेगा। आज सही ढंग से भीम आर्मी का काम भारत देश के अंदर चल रहा है और आप सब लोगों के मेहनत की वजह से ये भीम आर्मी भारत देश के अंदर है, दुनिया के अंदर मजबूत हुई है। आज चंद्रशेखर आजाद भाई का नाम पूरे दुनिया के अंदर है, लेकिन चंद्रशेखर भाई आज बहुत उनकी ऊंचाई बढ़ गई है, उनका इतनी ऊंचाई बढ़ गई है कि उन तक हम पहुंच सकते कि नहीं, ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें किताबें पढ़नी होगी, महापुरुषों का इतिहास पढ़ना होगा, हमें सही ढंग से डिबेट करना आना चाहिए। जब हम लोगों के बीच में जाएंगे तो हमें भीम आर्मी का इतिहास, हमें चंद्रशेखर भाई, विनय भाई, कमल भाई या जो भी हमारा नेता है उनका इतिहास, उससे पहले हमारे महापुरुषों का इतिहास हमें बताना आना चाहिए। चंद्रशेखर भाई आज हर राज्यों के अंदर कैडर काम कर रहे हैं, लेकिन वो हमें कैडर पूरा लेना चाहिए। माफ करना, बात करते करते मैं भंते जी को भूल गया, हमारे धर्मगुरु है, आपको नमामि, और मेरा ध्यान गया है ठीक से। तो भीम आर्मी हमें बहुत मजबूत कर रही है, मैं भाषण देने वाला कार्यकर्ता नहीं, मैं काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ, मैं आंदोलन करता हूँ, मैं ज्यादा भाषण नहीं दे सकता, लेकिन मोदी को ठोक सकता हूँ, BJP के हर MLA खासदार को ठोक सकता हूँ, इतनी हिम्मत है। क्योंकि जंतर मंतर पर जब संविधान जलाया गया था उसके 7 या 8 दिन के बाद उसी जंतर मंतर BJP का झंडा मैंने जलाया था, हमारे महाराष्ट्र के लोगों ने जलाया था। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद भाई को हम जेल में मिले, उन्होंने कहा क्यों झंडा जला रहे हो, आप जेल में जाओगे, वो कानून वो लोग अच्छे नहीं है। भाई बोला अगर आप यहाँ पर जेल में हो तो हम बाहर क्यों रहेंगे, हम भी जेल में आएंगे, हम जलाएंगे और झंडा कुछ नहीं करेंगे, एक गोली मारेंगे हम मर जाएंगे, लेकिन शहीद होना जरूरी है, अगर शहीद नहीं पैदा हो गए तो क्रांति आगे कैसी बढ़ेगी। इसके लिए हम इस देश के अंदर, हम चंद्रशेखर आजाद भाई, विनय भाई या हमारे जो वरिष्ठ नेता है, हम सब उनके साथ है, वो हम सब उनके साथ है, हम जोरों से भीम आर्मी का काम करेंगे। और भाई महाराष्ट्र में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, और वो सरकार आने के बाद जो भीमा कोरेगांव में आंदोलन हुआ, भीमा कोरेगांव के बारे में आंदोलन हुआ था 1 जनवरी 2018 में, तो बहुत लोगों के ऊपर झूठे केसेस डाले, कल उनका निर्णय आया 2 दिन पहला, सबका टाइमिंग
21 या 22 लोगों को जो हमारे युवा है 6-5 साल के लिए उनको सजा हुए, सब झूठे मुकदमे। तो विनय भाई मेरी एक विनती है, चंद्रशेखर भाई और आप, महाराष्ट्र में एक बड़ा आंदोलन करना है, मुंबई में आंदोलन करना है, अगर हमारे लोगों के ऊपर झूठे केसेस डाले गए तो हमें इनको सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जिस गंदे तरीके से राजनीति पूरे भारत में कर रही है, शायद 8 या 9 राज्यों में इन्होंने सरकार गिराने का काम किया है, असंवैधानिक काम किया है। हम किसी पार्टी के फेवर में नहीं है, हम संविधान के फेवर में, इसलिए हमें मजबूती से काम करना है। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, हाथ ऊपर करके सिर्फ एक वादा करो, या मजबूती से काम करेंगे, लेकिन हमारे बीच अगर कोई गद्दार पैदा होगा तो हम उसको छोड़ेंगे। जय हिंद। जिनको पुलिस वालों ने पकड़ करके थाने में इतना पीटा कि उनकी मौत जो है वो कारा में 1 महीने के बाद हो गई। साथियों, आवेदन देने के बाद भी, उसके माता पिता के आवेदन देने के बाद भी किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई वहाँ पे नहीं किया गया। नहीं करने के बाद जब ये बात की खबर प्रदेश कमेटी को पता चला, हम लोग धनबाद के धरती पर पहुंचे और उस SSP कार्यालय को घेरने का काम किए और रात के 8 बजे तक उस SSP कार्यालय में हम लोग धरने पे बैठ गए कि जब तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी हम लोग इस जगह से उठने वाले नहीं है। आज उस सुमित तुरी की फाइल को रीओपन करके उसके ऊपर कार्रवाई चालू करा दी गई है। साथियों, तमाम प्रदेशों की बात मैं यहाँ सुन रहा था, मुझे ये बात दिख रहा था, लेकिन साथियों ये बात सोचने वाली है कि हर प्रदेश में, हर जगह पे, पूरे देश में अत्याचार और शोषण व्याप्त है। हमारे महापुरुषों ने तमाम संघर्षों के बाद हमें जो अधिकार दिलाया, हमारे बाबा साहब ने तमाम संघर्षों के बाद जो हमें अधिकार दिलाया, जो संविधान लिखा, उस संविधान के अनुसार ना तो बहुजन समाज को समानता है, ना न्याय सही से मिलता है, और ना तो बंधुत्व है, और ना तो स्वतंत्रता सही से बहुजन समाज को यहाँ पर दिया जाने वाला है। साथियों, ये बात सोचने वाली है कि ये बात जब 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश की व्यवस्था को बदल दिया, जो मनुवादी, पुराने रूढ़िवादी, सामंतवादी व्यवस्था को बदल दिया, उसके बाद भी आज वो तमाम बदली हुई व्यवस्था के अनुरूप आज भी हमारे बहुजन समाज को अधिकारों से वंचित किया जाता है। साथियों, मैं ये बात आप सब को कहना चाहता हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं अपने बहुजन समाज के बहुजन मूवमेंट को चलाने के लिए मैं अपने साथ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ अब कारवा को, बहुजन मूवमेंट को चलाने का मैं बढ़ा रहा हूँ। ये मुझे काफी गौरवान्वित महसूस करती है। साथियों, दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो मूवमेंट खत्म होने के बाद महापुरुषों के मूर्तियों पे माले चढ़ाते हैं, और दूसरे जो मिशन में कूद करके, क्रांति में कूद करके व्यवस्था के परिवर्तन की लड़ाई में कूद जाती है। और व्यवस्था का परिवर्तन कोई एक दिन का खेल नहीं है। साथियों, अगर आप चाहते हैं इस देश की व्यवस्था को बाबा साहब की लिखी हुई व्यवस्था के अनुरूप ढाली जाए, तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना होगा। और इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर एक युवा को, हर एक घरों तक घुसना होगा, भीम आर्मी के कारवा को पहुंचाना होगा, अपने बहुजन महापुरुषों के संघर्षों को हर एक घरों तक बताना होगा, तब जाकर के हमारे यहाँ पे भीम आर्मी का संगठन पूरे देश में मजबूती के साथ उतरेगा, और कल हम इस देश की व्यवस्था बाबा साहब के विचारों के अनुरूप ढाल सकेंगे। थैंक यू। जय भीम आर्मी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।